खबर मिर्जापुर से। जनपद के स्थानीय बाणसागर गेस्ट हाउस में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य नीता साहू द्वारा मिशन शक्ति, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य विभाग, बेसिक शिक्षा, श्रम विभाग एवं उद्योग की समीक्षा बैठक किया गया। बैठक में उपस्थित सभी का संचित परिचय किया गया, जिसके बाद सभी विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट के आधार पर बारी बारी से समीक्षा किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी गिरीश चंद दुबे के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग के बाल संरक्षण अधिकारी डॉक्टर रमेश द्वारा माह अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर 2020 की रिपोर्ट से अवगत कराया गया। डॉक्टर रमेश ने बताया कि माह नवंबर में जनपद मिर्जापुर में 11,07,755 लोगों का तक मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला और बाल संरक्षण की जानकारी दी गई। इस अभियान के फलस्वरूप प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद बाल विकास पोषाहार विभाग की समीक्षा की गई तो जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार गांव में घी, चावल, गेहूं का विवरण त्रैमासिक के हिसाब से किया जा रहा है। बाल श्रमिक के लिए रेस्क्यू करके उन्हें स्कूल में दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है। सदस्य के द्वारा नवजात शिशु की सुरक्षा के लिए महिला कल्याण विभाग को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही कई अन्य विभाग के लोगों ने अपनी प्रस्तुत किया, जिन्हें उनके अनुसार निर्देशित किया गया। चुनार से सुनील कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। जी बताएं, जो कार्यक्रम चल रहा है क्या है कार्यक्रम? एक ही, मैं डॉक्टर नीता साहू, सदस्य राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश मिर्जापुर का मेरा चीज है काफी दिनों बाद, क्योंकि कोविड की वजह से इधर काफी दिनों से नहीं आना हुआ था। और यहाँ के जो भी क्रियाकलाप है, क्योंकि 0 से 18 साल तक के जो भी बच्चे बच्चियां हैं उनका देख रेख संरक्षण ये हमारे आयोग का है, उसी के तहत हम यहाँ आए। यहाँ के बालिका गृह, संरक्षा गृह, जो हमारे प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय चल रहे हैं, उनकी क्या कार्यविधि चल रही है इस समय, जो हमारे सरकार का आदेश है कि बच्चों को किताब, कॉपी, ड्रेस, स्वेटर सब उपलब्ध कराई गई, उन तक पहुंची या नहीं पहुंची, उनका ऑनलाइन क्लास चल रहा है। श्रम विभाग की जो जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी, जो भी हमारे संबंधित विभाग हैं, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, श्रम विभाग है, इन सब के कार्यों की क्या इस समय प्रगति है, क्या स्टेटस को देखना है, और जहाँ कोई भी लापरवाही है तो उसको सुधारात्मक तरीके से उसको सुधारने का है।